नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीबीएसई की परीक्षा रद्द होती है वो टीवी पर आके बताते हैं। आप सोचिए, इस देश में एजुकेशन मिनिस्टर तो कोरोना में एम्स में भर्ती है, सीबीएसई बोर्ड का चेयरमैन होता है, लेकिन कैसे ये क्रेडिट स्टीलर हैं, कैसे बड़ा, मतलब क्या बताया जाए। मोदी को सब कुछ अपने क्रेडिट पर लेना इनको पसंद है। हर छोटी से छोटी मतलब चीज़ें, मतलब इतना छपास का रोग किसी में नहीं होता हुआ। हम लोग बचपन में सुनते थे कि कहीं ट्रक अखबार में नाम छपवाना है तो ट्रक के नीचे आ जाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाओगे। इसरो में प्रक्षेपण होगा, पहुंच जाएंगे। वैक्सीन मिलना था, वहां पहुंच गए, पता चला वैक्सीन ही नहीं है। इसरो का सेटेलाइट लॉन्च नहीं हुआ, मतलब इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। अब सीबीएसई की परीक्षा, अब बताइए, एक बताइए, अच्छा परीक्षा रद्द हो गई, इसमें मोदी जी का क्या मतलब। ये इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जिससे देश का 370 कागज पर हटा लिया, सीएनआरसी कागज पर बिल ला दिया, परीक्षा रद्द कर दिया, अर्थव्यवस्था -7 पहुंच गया है, -7 निगेटिव में। ये फैक्ट्री नहीं लगा सकते, नया सड़क नहीं बना सकते, रेल नहीं बना सकते, रोजगार नहीं दे सकते, कोई नई कंपनी नहीं खड़ा कर सकते, बस उसको बेचेंगे और सिर्फ सेंटिमेंटल आंदोलन मुद्दे को उठाएंगे। गाय गोबर गौमूत्र 370, राम मंदिर के लिए भी चंदा नागरिकों को देना पड़ता है, कोरोना से भी लड़ने के लिए चंदा नागरिकों को देना पड़ता है पीएम केयर फंड्स में। पता नहीं पैसा कहाँ जा रहा है। आपको बताऊंगा कि आरबीआई में कितने लाख करोड़ रुपए थे और साहब ने निकाल लिया। तो ये स्थिति है, आप इनका कुछ नहीं कर सकते हैं। और सीबीएसई के तो एक बहाना है, बाकी तो टीवी अखबार ही इनका राज है, राशन इनका भाषण, भाषण इनका राशन है। तो तमाम खबरें बताऊंगा। योगी का पत्ता कटना तय है, बीएल संतोष के बाद अब साफ हो गया है, जेपी नड्डा को मनाने की कोशिश हो रही है। अमित शाह और मोदी ने हरी झंडी दे दी है कि योगी क्या पत्ता कटना तय है, क्या योगी बचेंगे, योगी बलि के बकरा बनाए जाएंगे, इस पर भी बताऊंगा विस्तार से लास्ट में। पहले सुधीर चौधरी का इस सोशल मीडिया पर तस्वीर बहुत वायरल हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये फिर आ गया है, ये फिर देश में आग लगाएगा। मुझे नहीं पता इसको सद्बुद्धि मिली है कि नहीं मिली है, शायद अब सज्जी मिल। छतरपुर एमपी में जिस दलित महिला की के साथ पिटाई हुई थी, उसने कहा कि रेप हुआ है और उस पर केस तक दर्ज नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह ने यह ट्वीट किया है। और सुप्रीम कोर्ट के जज, जो रिटायर्ड जज है अरुण मिश्रा, जातिवादी, घोर जातिवादी, जो आज तक एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के खिलाफ फैसले देते आया, जिसने अडानी को सबसे ज़्यादा 7 केसों में फैसले सुनाकर फायदा पहुंचाया, उसको एनएचआरसी का अध्यक्ष चेयरमैन बना दिया गया। ये सबसे ऊपर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है और तमाम लोग जो हैं उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और ये देखिए, एक गरीब किसान की बेटी में की शादी में एसडीएम जाती है और 1 लाख का चलान काट देती है, सदमे से गरीब किसान की मौत हो जाती है। देव प्रकाश सिंह मीना ने लिखा इस खबर को, कोई ब्राह्मण जो है इसके लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी नहीं लिखेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जज भी वही हैं, अपराधी भी वही हैं। ये यहाँ पुलिसकर्मी के सामने सैकड़ों लोग कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं, किसी का चलान काटने की हिम्मत है किसी को? तो ये तस्वीरें इस देश में, ऐसी खबरें चल रही है। और आपको बता दूँ, ये है सूर्य प्रताप सिंह रिटायर आईएएस, तानाशाही की शादी हदें पार कर गई, 2 रुपये ट्वीट ऑडियो वायरल में भी इन पर केस दर्ज हुआ था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहती गंगा वाले में केस दर्ज हुआ, उस पर रद्द कर दिया है। कुमकुम बिनवाल है, एबीपी न्यूज की रिपोर्ट, कहते क्या हम कभी जान भी पाएंगे कि इस देश के कितने नागरिकों की पिछले 1 साल में कोरोना में जान गई, भूलिए मत वो हमारे ही लोग थे। पता नहीं मैडम का अब जमीर जग गया है, पता नहीं बोल तो नहीं पाएंगी। और प्रशांत कनौजिया तंज करते हैं, गुड नाइट। मतलब सोचिए, प्रधानमंत्री की लोग कह रहे हैं कि दाढ़ी बढ़ाने की तरह अगर जीडीपी बढ़ाना आसान होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो प्रधानमंत्री की पूरी विश्वसनीयता खत्म हो गई है, पेट्रोल का नया भाव है, सोचिए लोग मजाक उड़ा रहे हैं, अब 100 रुपये पेट्रोल हो गया। लोग कह रहे हैं कि भक्त कह रहे हैं कि दाम नहीं बढ़ा है, 25 रुपये का एक पाव मिला है, मतलब पेट्रोल सस्ता हो गया, लेकिन अब खरीदना पड़ेगा आपको एक पाव। और रामदेव के खिलाफ लगातार डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है, देखिए ब्लैक डे कल भी प्रदर्शन हुआ था। और बच्चों की मौत पर केंद्र के दावों की पोल खोलती भास्कर की रिपोर्ट। सोचिए असम में जो डॉक्टर पर हमलावर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, अच्छी बात है, उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या किसी मुस्लिम संगठन ने उनके पक्ष में बात कही? नहीं। काश इस देश में हर जगह जो अत्याचारी होता है उसको पकड़ा जाना चाहिए था।
लेकिन मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, तमाम सोशल मीडिया सिर्फ इसलिए उसको हाईलाइट किया जा रहा है क्योंकि आरोपी मुस्लिम है। जैसे तो जहां मुस्लिम आरोपी होगा वहां तुरंत कार्रवाई होगी। काश हर जगह आरोपी पर इसी तरह की कार्रवाई होती तो क्राइम रुक जाता। और जिन सरकारी ठेकों में शराब पीकर 95 लोगों की हुई है मौत, ये देखिए यूपी में लगातार मौत हो रही है। और सबसे दर्दनाक खबर है, एक खबर सुनी थी आपने, एक बच्ची जो है गुड़गांव से साइकिल से अपने पिता को ले गई थी बिहार, ज्योति पासवान, बहुत तारीफ हुई थी। मैंने उस समय भी कहा था कि ये हमारी विडंबना है, ये शर्मनाक है, देश के लिए शर्मसार करने वाला है कि एक बच्ची को साइकिल चलाना पड़ा। इस देश में बहुजनों को कितनी तकलीफ है। ये 45 ईयर ओल्ड आनंद, ए रेजिडेंट ऑफ कोपालू विलेज इन मैसूर, 300 किलोमीटर साइकिल चलाकर उनको अपने बच्चों के लिए दवाई लाने जाना होता है। इस देश, पता कर लीजिए इनकी जाति, इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को गरीब रखा गया। ये कहानी कितनी दर्दनाक है। आज़ाद देश में आज भी अगर लोगों को साइकिल चला के 300 किलोमीटर दवाई लाने जाना पड़ता है तो इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। और लोग इसको महिमा मंडित मत कीजिए, ये बहुत ही शर्मनाक है। और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कास्ट एट्रोसिटी भेदभाव कहीं नहीं है। अमरिंदर सिंह की सरकार ने एक भी शेड्यूल कास्ट के पंजाब के लोगों को आईपीएस में प्रमोट नहीं किया, वहाँ 42% आबादी है। अशोक भारती ने ट्वीट किया है। और ये देखिए किस तरह से लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ, साइकिल पर बैठे पिता पुत्र की तस्वीर है। और एक कहानी है, एक झारखंड के गोड्डा में अपनी बेटे की जान बचाने, उनके थैलेसीमिया है, और अपने बेटे की जान बचाने के लिए वो 500 किलोमीटर रोज साइकिल, मतलब बराबर 400 किलोमीटर का सफ़र साइकिल से तय करते हैं। दिलीप यादव का 5 साल का बेटा थैलेसीमिया से बीमार है, साइकिल पर बैठे पिता पुत्र, मतलब जितनी दर्द की ये कहानी है, जितनी ये गरीबी, लाचारी, बेबसी की कहानी है, वो सब बहुजन के हिस्से हैं। तब भी शर्म नहीं आता। इस देश में कितने लोग हैं जो चार्टर विमान, इसी देश में एशिया का सबसे दो अमीर आदमी रहता है अंबानी अडानी, इसी देश का प्रधानमंत्री 20,000 करोड़ का घर, 8,000 करोड़ के जहाज में चलता है। इस देश का 90% जो तबका है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, उसको गरीब रखा गया, और 10% लोगों के पास संसाधन है। लेकिन मैं अब उन 10% लोगों को साथ कहता हूँ, बंच ऑफ थॉट के मुताबिक, गुलबर्ग का, आरएसएस के मुताबिक, अगर देश पर कब्जा करना है, लोकतंत्र खत्म करना है, जातिवाद मनुवाद लागू करना है, तो सिर्फ 4 आदमी के पास सब कुछ रहेगा, अंबानी, अडानी, मोदी, शाह और आरएसएस। और आप सभी की बहुत बड़ी जीत है। जो एक यूपी में रिटायर, अब तो योगी जी जाने वाले हैं, वो खबर बताऊंगा, रिटायर आईएएस हैं सूर्य प्रताप सिंह, उन पर खूब केस दर्ज होता है, वो भी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है, खूब केस दर्ज हो जाता है। गंगा में लाश बह रही, केस दर्ज, 2 रुपये का टूल किट, केस दर्ज, सुप्रीम हाई कोर्ट से उनको राहत मिली है। अब वो उन्होंने कहा कि मुझे सीधे सीधे आतंकवादी घोषित कर दो। तो यूपी में या तमाम बीजेपी शासित राज्यों में मुकदमा दर्ज करके डराया जाता है, क्योंकि उनको पता है जज भी उन्हीं का है। टूल किट में फंसा बाबा अपनी छवि बनाने के लिए प्रत्येक ट्वीट 2 रुपये की मजदूरी देता है, ये खबर चल रही है। और जापान में एक आदमी खुद को शिव का अवतार कह रहा था, उसको फांसी दे दी गई है। और अरुण मिश्रा NHRC के हेड बन गए हैं चेयरमैन, उनकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही है और लोग खूब उनको जलील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो मोदी के चापलूस हैं इसलिए। और CMO सूत्रों से जानकारी मिली है कि IAS लॉबी जो है वो सूर्य प्रताप सिंह को जेल भेजना चाहती है, इसलिए लगातार फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। एक तो अद्भुत कहानी हुई है, एक शख्स है स्वप्नदास गुप्ता, वो पत्रकार रहे हैं, सारे ब्राह्मण कैसे दलाली करते हैं सिस्टम के, बीजेपी के सांसद बने, बंगाल चुनाव के समय विधायक का चुनाव लड़ गए, सांसद से इस्तीफा दे दिया जब जगहंसाई हुई, तो बेचारे चुनाव हार गए, अब हमारे राष्ट्रपति ने उनको फिर से सांसद नियुक्त कर दिया है। राष्ट्रपति को वही करना होता है जो प्रधानमंत्री कहता है। सोचिए, इस देश में मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन, वो जब चुनाव हार गए थे तो उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, वो चाहते तो CM बने रह सकते थे। सोचिए किस तरह से चल रहा है। और CBSE परीक्षा की रद्द की घोषणा PM ने की, स्वास्थ्य, विदेश, गृह, वित्त, अन्य विभागों की घोषणा भी मोदी जी करते हैं, बाकी मंत्रियों का क्या काम है। और कोरोना, मायावती ने बड़ा हमला बोला है प्रधानमंत्री पर, केंद्र सरकार पर, यूपी की सरकार पर, यूपी में लगातार उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी से सरकार निपटने में नाकामयाब है और बेरोजगारी, भुखमरी सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जो रोज कमाने खाने वाले थे उनकी ज़िंदगी बहुत नरक हो गई और सरकार कायदे से इन सब चीज़ों से निपटने में सक्षम नहीं है। मायावती बहुत कम बोलती हैं और बहुत मारक बोलते हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ये सरकार असफल है
और सबसे पहले गरीबों पर ध्यान देती तो इस तरह की ये स्थिति नहीं होती। और देश की अर्थव्यवस्था अर्थात लोगों की रोजी रोटी पर संकट है, कहा अब ऑक्सीजन पर चला जाना। सोचिए पहले लोग रोजी रोटी खोते थे, अब उनको लग रहा है कि ऑक्सीजन मिल जाए वही बहुत है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा जागी और यह देखिए कि पूरे देश में क्या हो रहा है। संजय यादव जो तेजस्वी यादव के सलाहकार, उन्होंने लिखा है मतलब चाहते क्या है कि अगला आदमी 2-3 घंटे भी न सोए। लोग कहते थे कि मोदी जी 18-20 घंटे काम करते हैं, इसलिए देश की ये हालत हो गई है, आप कल्पना कर सकते हैं। और ये तमाम खबरें मैं बता रहा हूँ, जो लोग कह रहे हैं ना कि एलोपैथी और आयुर्वेद में कौन बढ़िया है, उनको बता दीजिए 5000 BC विश्व की आबादी 50 लाख थी और आज 500 BC 10 करोड़, 1804 में 100 करोड़ आबादी थी, 100 करोड़ जनसंख्या तक पहुंचने में लाखों साल लग गए, और आज जो है 21वीं सदी में 700 करोड़ आबादी, अगर अंग्रेजी दवाई नहीं होती तो कभी इतने लोग जिंदा नहीं रहते। और योगी के राम राज्य में देखिए शेड्यूल कास्ट के लोगों की क्या स्थिति है, किस तरह से हमले हो रहे हैं, कहाँ की ये वीडियो है नहीं पता, लेकिन इस तरह के हालात हैं, इसे सुशील सिंधे ने ट्वीट किया है। और कोरोना की क्या हालत है, उसको एक आदमी ने बड़ा अच्छा समझाया है कार के जरिए, कोरोना के वैक्सीन की हालत भारत में कैसे, पूरी दुनिया में कहीं नहीं ऐसा हो सकता। एक कार निर्माता कंपनी की कार केंद्र को 7 लाख में, मतलब मोदी खरीदे तो 7 लाख, मुख्यमंत्री लोग खरीदे तो 14 लाख, शोरूम में कोई आदमी लेने जाए तो 21 लाख, और वैसे ही कार दूसरी कंपनी उसी शोरूम में 42 लाख में बेच रही है। याद रहे 7 लाख में भी कंपनी को मुनाफा कमा रही है। मतलब ये स्थिति है कोरोना वैक्सीन की भारत में, जो जहां खरीदने जाएगा उसको उतनी महंगी मिल रही है। और देश भर में अब लगातार मनुवाद की कोशिश है कि खेतीहर जातियों को, OBC को आगे रखकर कास्ट एट्रोसिटी कराई जाए, और ठलुएपन की भी हद होती है। देश के शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा सचिव, CBSE के चेयरमैन हैं। एक ट्वीट बहुत सोशल मीडिया पर फेमस हो रहा है कि 55 साल तक खुद को उसने अविवाहित बताया, 55 साल तक जब, और उसके बाद उसने खुद को चौकीदार बताया तो चोर निकला। 55 साल तक अविवाहित बताया और शादीशुदा था, सोचिए किस आदमी की बात हो रही है। तो जो 55 साल तक लगातार झूठ बोल सकता है उसके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं कि वो और क्या कर सकता है। ऑक्सीजन ही नहीं दे पा रहे, मुकदमा सूर्य प्रताप सिंह नदिया सब इनकी वजह से तैर रही है मुकदमा, लगातार मुकदमा होता है। और अब बता रहा हूँ आखिरी खबर RBI वाली। RBI के पास 2014 में 9.5 लाख करोड़ का रिफंड फंड था, जो केवल युद्ध जैसे आपातकालीन परिस्थितियों की के सिवा किसी को नहीं दिया जा सकता था। रघुराम राजन ने भी फंड देने से मना कर दिया था, आज वो पूरा पैसा गायब है। कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता है कि वो फंड कहाँ गया। आप सोचिए देश की अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया गया है, और जहाँ 200 रुपये डीजल सरसों का तेल बिक रहा है और 100 रुपये पेट्रोल। और ये देखिए अरुण मिश्रा पर तो लगातार, परीक्षा थी इसलिए रद्द हो गई, चुनाव तो लॉकडाउन में भी होता। और ये तस्वीरें अभी भी बहुत रुलाती है, किस तरह से देखिए ट्रैक्टर पर सब जा रहे थे, सब भूलिएगा मत। और SC ST एक्ट के खिलाफ तो अब योगी आदित्यनाथ की खबर बता रहा हूँ, सूत्र बता रहे हैं कि BL संतोष अमित शाह और मोदी के बहुत करीबी हैं और योगी की बहुत मोटी फाइल तैयार हो गई है। अब ज़्यादा दिन उनका चलने वाला नहीं, हो सकता किसी पिछड़े को CM बनाया जाए। अगर योगी बच भी जाते हैं तो ये मोदी के गले की हड्डी बन रहे हैं, तो योगी पर मोदी की तलवार चल सकती है। और कोरोना का हो सकता है पूरा ठिकरा योगी के मथे मर दिया जाए। साहब हो सकता है कि अब तक तो दूसरे के नोटबंदी में कुर्बानी लिए, किसान बिल में कुर्बानी लिए, लॉकडाउन में कुर्बानी ली, हो सकता है 1-2 मुख्यमंत्रियों की भी अपनी कुर्बानी ले लें। आप लोगों को क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। क्या ये खबरें आपके लिए ज़रूरी थी नहीं थी, ये वो खबरें हैं जो आपसे छुपाई जाती है सोशल मीडिया के जरिए, ये खबरें सामने आती है। मेरी कोशिश होती है कि सारे खबरों को एक साथ आप तक पहुंचाया जाए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।